हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं एस्केप लाइफ के फाइनल एपिसोड यानी एपिसोड 9 का, सीजन 1 का फाइनल एपिसोड, जिसमें बहुत सारे कांड हुए हैं और शायद आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी और शायद आपके कुछ सवाल भी होंगे कि आप इसके बाद क्या। तो आज मैं इस लास्ट एपिसोड को थोड़ा सा एक्सप्लेन प्लस लास्ट में जो कुछ क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो पहले बात करते हैं कि इस एपिसोड में हुआ क्या। तो इस एपिसोड में हम पहले देख पाते हैं कि जिया और कृष्णा किसी तरीके से रानी को बचाना चाहते थे। इस वजह से सीक्रेटली किसी तरह कृष्णा अपने पुलिस वाले रिश्तेदार को डार्की का लोकेशन दे देता है और डार्की के बारे में कुछ डिटेल्स दे देता है कि वो किस गाड़ी में गया है और किस लोकेशन में गया है। तो वो रानी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और इधर इसके फ्लाइप के 2.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए थे, तो वो सारे इंजॉय कर रहे थे। और फैटिश गर्ल भी रानी को क्रॉस करके नंबर 1 पे आ गई थी। और दूसरी तरफ आपको तो पता ही होगा कि डार्की ने रानी को किडनैप कर लिया था और रानी डार्की को उकसा देती है और ये बोलती है कि मैं कुछ नहीं कर रही, इस वजह से तुम जीत रहे हो। तो फिर डार्की फेस ऑफ करने के बारे में सोचता है, एक फेयर कंपटीशन करने के बारे में, ताकि वो फेयरली जीत पाए, ना कि रानी को किडनैप करने के बदले जीते। और यहाँ हम देख पाते हैं कि डार्की के स्क्रीन में तो डार्की जीत रहा था, बट दूसरी तरफ वहाँ पे फैटिश गर्ल नंबर 1 पे थी। तो ये क्या चक्कर था? तो इसके बारे में पहले बता दूँ कि एस्केप लाइव वाले डार्की के लिए एक फेक स्क्रीन तैयार किए हुए थे जिसमें कि सब कुछ फेक था और जिसमें कि डार्की जीत रहा था, डार्की टॉप 10 आ रहा था, डार्की किसी तरह से नंबर 1 पे आने वाला था। और वो ये सब कुछ इसीलिए कर रहे थे ताकि उन्हें थोड़ा सा टाइम मिल जाए और जब ये कंपटीशन ख़त्म हो तब जाके वो रानी की मदद करें। मींस एस्केप लाइफ वाले ये चाहते थे कि जब कंपटीशन ख़त्म होगा किसी तरह, उसके बाद जाके वो रानी की मदद करेंगे और उसके लिए उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए था। और इसी वजह से वो डार्की को एक फेक स्क्रीन दिखाता है ताकि उसे लगे वो जीत रहा है और वो रानी को कुछ ना करे। और रानी को वो कुछ कर भी नहीं रहा था, बट रानी डार्की को उकसा देता है फेस ऑफ के लिए, ये कह के कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ इसलिए तुम जीत रहे हो। और फिर डार्की सोचता है कि चलो फेस ऑफ कर लेते हैं और फेयरली जीतते हैं। तो इनको फेस ऑफ कराने के लिए एक नया स्क्रीन बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर रानी अपना अकाउंट लॉग इन करती तो उस पर ओरिजिनल एस्केप लाइव ओपन हो जाता और डार्की को पता चल जाता कि उसके फ़ोन में सब कुछ फेक चल रहा है और उधर ओरिजिनल एस्केप लाइव पे कोई और ही जीत रहा है। तो इसके लिए एस्केप लाइव वालों को एक और फेक स्क्रीन बनाना पड़ता जिस पे कि बहुत टाइम लग जाता, इसलिए वो डार्की के ही फेक स्क्रीन को डुप्लीकेट करके रानी के फ़ोन में भी दिखा देते हैं। और ये चीज़ डार्की नोटिस कर लेता है क्योंकि फेक स्क्रीन में जो कमेंट्स आ रहे थे, जो डायमंड्स आ रहे थे, वही सेम कमेंट्स रानी के अकाउंट में, रानी के फ़ोन में भी आ रहे थे। तो ये चीज़ डार्की नोटिस कर लेता है और उसके बाद तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और रानी को मारने ही वाला होता है कि उसी वक्त पुलिस आ जाती है और रानी को उस वक्त बचा लेती है। और डार्की रानी को लेकर थोड़ी दूर भागता तो ज़रूर है, बट किसी तरह करके पुलिस रानी को बचा ही लेती है। देन हम दूसरी तरफ कॉम्पिटिशन को देख पाते हैं जहाँ पे कि मीना जीत रही थी और किसी तरह धीरे धीरे करके वो नंबर 1 पे भी आ जाती है। और थोड़ी देर बाद कंपटीशन ख़त्म होने ही वाला होता है और वो जीत भी जाती, बट वो एंड में सोचती है कि वो अपना सच बताएगी और वो अपना सच बता भी देती है सबके सामने कि वो लड़का नहीं, एक लड़की है लड़की के शरीर में। और ऑडियंस को ये लगता है कि शायद अब सब लोग मीना को एक्सेप्ट कर लेंगे, वो जैसी भी है, वो जैसा भी है, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें यहाँ सोसाइटी का असली सच दिखाया जाता है कि नहीं, तुम चाहे कुछ भी करो, सोसाइटी तुम्हें उस वक्त एक्सेप्ट नहीं करने वाली। और यही होता है, कोई भी मीना को एक्सेप्ट नहीं करता, उल्टा उसे जूते चप्पल मारने लग जाते हैं और चक्का वगैरह कह के वहाँ से चले जाते हैं। और इसी वजह से सब लोग मीना को फिर से हेट करने लग जाते हैं और इसी वजह से फैटिश गर्ल फिर से नंबर 1 आ जाती है और वो ये कॉम्पिटिशन जीत जाती है। फिर हम श्रेणी को देख पाते हैं कि श्रेणी की तो अलग ही कहानी चल रही थी। श्रीनी की लव स्टोरी चल रही थी वो तो आपको पता ही है, और कृष्णा ने इन दोनों को अलग भी कर दिया था, वो भी आपको पता है। और यहाँ पे वो रात को मिलने भी वाले थे और श्रीनी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने भी चाहती है रात को, बट ये हो जाता है कांड। सब कुछ सही चल रहा था, वो किसी तरह से मूव ऑन करने वाले थे, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब इतनी इतनी ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन यहाँ बन जाती है क्योंकि वो कार पे होते हैं, यानी श्रीनी और उसका बॉयफ्रेंड, और वो दोनों मेकआउट करने लग जाते हैं
और आसपास के कुछ लोग आके उन्हें रिकॉर्ड करने भी लग जाते हैं और वो तो कम ये वीडियो वायरल भी हो जाती है। और ये कांड कब होता है, जब हमारा कृष्णा हीना से मिलने जाने वाला होता है, क्योंकि फैटिश गर्ल यानी हीना जीत चुकी थी कंपटीशन, वो भी फेयरली। और आपको तो ये पता ही होगा कि कृष्णा हीना के प्यार में पड़ चुका था, यानी फैटिश गर्ल के प्यार में पड़ चुका था, नॉट हीना, क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो हीना है। आखिरी एपिसोड तक आते आते भी उसे पता नहीं होता कि वो हीना है। तो वो चाहता है फैटिश गर्ल से मिलने कृष्णा, और फैटिश गर्ल कृष्णा को डिच कर देती है। यानी इतने समय तक जो हम देख रहे थे कि कृष्णा किसी तरह करके हीना के डायमंड्स को अनब्लॉक कर देता है और हीना को जीतने में बहुत सारी मदद करता है, बट एट द एंड आके हीना जस्ट कृष्णा को यूज ही कर रही थी जीतने के लिए, और इस वजह से कृष्णा काफी दुखी हालत में होता है। और इसी वक्त उसे उसकी बहन की यानी श्रीनी की ये कांड पता चलती है कि श्रीनी अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार में पकड़ी गई है। देन कृष्णा भाग के जाता है शायद अपनी बहन के पास, बट यहाँ पे सीन कट हो जाता है और हमें सीन दिखाया जाता है ऑफिस का, मतलब एस्केप लाइफ के ऑफिस का, जहाँ पे की सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं, सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि फैटिश गर्ल कॉम्पिटिशन जीतने की खुशी में अब अपना चेहरा रिवील करने वाली थी, क्योंकि उसने ये कहा था कि वो कॉम्पिटिशन जीतने के बाद अपना चेहरा रिवील करेगी। तो सभी इस चीज का वेट कर रहे होते हैं और पार्टी कर रहे होते हैं, खुशियां मना रहे होते हैं, और कृष्णा यहाँ पे रेडी होके आया हुआ होता है, मीन्स बारिश में भीगने के बाद वो रेडी होकर यहाँ पे आया होता है। मीन्स वो सीन पूरा कट हो जाता है कि वो भाग के अपनी बहन को या फिर कहीं भी वो अपने शायद अपने घर ही जाता होगा, बट वो सीन पूरा कट हो जाता है, हमें कुछ भी दिखाया नहीं जाता। और कृष्णा अपने दोस्त से पैसों के बारे में बात करता है कि उसे कुछ पैसे चाहिए, 3-4 लाख रुपए, बट क्यों ये भी है यहाँ पे रिवील नहीं होता। मीन्स कि ये चीज़ तो हमें सीजन 2 में ही पता चलेगी कि उसे पैसे क्यों चाहिए, वो उन पैसों का क्या करेगा, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनाती कि उसे पैसे चाहिए, वो पैसे का करेगा क्या, कोई सेंस नहीं बनाती ये चीज़। और दूसरी तरफ हम ये देख पाते हैं कि हीना के अपार्टमेंट में माला आई होती है अपने वीडियो को डिलीट करने के लिए, क्योंकि एक बार जब माला हीना को अब्यूज़ कर रही होती है, मॉलेस्ट कर रही होती है, तब हीना ने सब कुछ उसे रिकॉर्ड कर लिया था, और हीना माला को ब्लैकमेल कर रही थी उन वीडियोस के जरिए, और इसी वजह से माला उन वीडियोस को लेने और डिलीट करने के लिए आई होती है। और वो हीना के अपार्टमेंट में आके हीना को मारती पीटती है और हीना के सारे फोन्स और लैपटॉप भी अपने साथ ही ले जाती है, और वो जाते जाते हीना को भी बेहोश कर देती है। बट एट द एंड हम ये देख पाते हैं कि फैटिश गर्ल के अकाउंट से कोई फैटिश गर्ल बन के अपना फेस रिवील करने वाला होता है, और क्योंकि हमें पता है कि हीना तो अभी भी बेहोश हुई है, तो ये पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है कि हीना वहाँ पे आ जाए और अपना फेस रिफिल करे, तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। तो ये मुझे लगता है कि ये कोई नई कैरेक्टर होगी, क्योंकि ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है कि वो हीना हो, क्योंकि माला ने लैपटॉप और मोबाइल्स अपने साथ ही ले गए थी, तो ये पॉसिबल नहीं था कि हीना किसी तरह बेहोशी से उठ के रेडी हो के और इस तरह वीडियो बनाए, तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो हीना है, वो कोई और ही होगी, और बॉडी से भी लगता है कि वो कोई और ही है, और ये प्रोबेबली माला हो सकती है, क्योंकि बॉडी से लग रहा था कि ये माला हो सकती है, और माला ने बहुत समय तक हीना को वीडियो पे देखा हुआ था, तो हीना की कॉपी भी वो अच्छे से कर सकती है। और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि माला ने किसी और को ये करने के लिए कहा हो, क्योंकि कंपटीशन के बारे में तो उसे भी पता था, तो शायद ये भी हो सकता है कि कंपटीशन जीतने के लिए या मतलब कि कंपटीशन के जो पैसे थे वो लेने के लिए वो अपना फेस यहाँ पे रिवील कर सकती थी, और ये सबसे अच्छा मौका था, क्योंकि हीना ने कभी भी फेस रिवील नहीं किया हुआ था, तो अगर अब माला अपना फेस रिवील कर देती है एज फैटिश गर्ल, तो सारे पैसे उसे मिल सकते हैं। तो अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, क्योंकि एपिसोड तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है इसी वीडियो के साथ, फेस रिवील वाले वीडियो के साथ, जहाँ पे फेस रिवील नहीं हुआ होता है। मैंने जो चीज़ें ऑब्जर्व की है, मैं उनके बारे में बात करता हूँ कि हमें क्या चीज़ें इस एपिसोड में नहीं दिखाई गई हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि डार्की को पकड़ा गया या नहीं, क्योंकि डार्की को पकड़े जाते हुए हमें नहीं दिखाया गया, हमें दिखाया जाता है कि डार्की वहाँ से भाग गया होता है, बट मुझे ये लगता है कि डार्की पकड़ा गया होगा, क्योंकि एक तो वो रेगिस्तान में होते हैं जहाँ पे वो ज़्यादा दूर भाग भी नहीं सकता था, और डार्की के पास कोई कार भी नहीं थी भागने के लिए, और डार्की
घायल भी था क्योंकि उसे गोली भी लगी थी और उससे खून भी निकल रहा था। मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा दूर भाग पाया होगा, तो मुझे लगता है कि डार के पकड़ा गया होगा। दूसरी चीज कि अब श्रीनी के साथ क्या होगा, क्योंकि श्रीनी अब पकड़ी गई है वहां पे, उसका वीडियो वायरल हो चुका है और कृष्णा अब पहली बार तो उसने लड़की को पिटवा दिया था, बट अब दूसरी बार वो क्या करेगा देखने लायक होगा। और तीसरी चीज कि फैटिश गर्ल के फेस रिवील पे हीना के जगह पर अब कौन रहने वाला है, क्योंकि वो हीना तो बिल्कुल नहीं होने वाली, क्योंकि हीना बेहोश है और किसी तरह से भी ये चीज सेंस नहीं बनाती कि वो हीना होगी। बुरी हालत में है, उसके पास कोई फोन नहीं है, उसके पास अपना लैपटॉप नहीं है, कोई भी फोन नहीं है, क्योंकि सारी चीजें माला अपने साथ ही ले गई थी। तो मुझे ये लगता है कि ये प्रोबेबली माला हो सकती है, क्योंकि वो बहुत समय से हीना को वीडियो भी देख रही होती है, तो वो शायद हीना को कॉपी कर भी सकती है। और ये भी हो सकता है कि मीन्स ये फेस रिबिल वाला वीडियो शायद वो किसी और से करवाएगी, बट ये चीज भी उतनी ज्यादा सेंस तो नहीं बनाती, बट प्रोबेबली ये हो सकता है क्योंकि चांसेस हैं। तो सीजन 2 में होगा यही कि इस 3 करोड़ के पीछे ही कोई ना कोई स्टोरी होगी कि ये 3 करोड़ अब किसको कैसे मिलेगी और इस 3 करोड़ के लिए कौन कितना मारामारी करेगा। तो इसी तरह एस्केप लाइफ का सीजन 1 का फाइनल एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो कमेंट में बताएं, और आपको क्या लगता है कि जब फैटिश गर्ल का फेस रिफिल होगा तो उसकी जगह पर हीना के अलावा और कौन हो सकता है, वो चीज भी आप कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और मोटिवेशन मिलेगी मुझे कर दू। और मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाय बाय।